सो हेलो स्टूडेंट्स, के सब सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विकास में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के सिलेक्टिव क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड्स के बारे में, जो कि CSIR नेट एग्जाम में भी आता है। सो उसके लिए हम बात करने वाले हैं। सो सिलेक्टिव क्लीवेज ऑफ पेप्टाइड मीन्स पेप्टाइड्स जो प्रोटीन में होते हैं पेप्टाइड्स। सो प्रोटीन के उन सीक्वेंसेस को, एमिनो एसिड को ब्रेक करने का है वो, इसमें हम वो पढ़ते हैं। जैसे कि ये एक एमिनो एसिड की चेन है, ये पेप्टाइड है मान लो, ठीक है। सो अब इसको बीच में से कहीं से ऐसे ब्रेक करके दोनों को है वो अलग करने को हम बोलते हैं एंडो पेप्टिडेस। मीन्स हम एकदम से बीच में से है वो उसको कट कर रहे हैं। एंड इफ वी आर गोइंग टू कट एट द एंड ऑफ टर्मिनल ऑफ द दिस पेप्टाइड्स वी कॉल्ड एस एक्सोपेप्टिडेज। ओके, जैसे इसको यहाँ से कट करके एक को अलग कर दिया और ये बाकी रह गए, ठीक है। एक्सोपेप्टिडेज एंड एंडोपेप्टिडेज दो प्रकार के में होते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सिलेक्टिव क्लीवेज। ओके, सिलेक्टिव क्लीवेज में जैसे कि हम जैसे कि एक तो एंजाइमेटिक क्लीवेज होता है, एंजाइम्स होते हैं वो क्लीव करते हैं पेप्टाइड को, और कुछ होते हैं सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं वो क्लीव करते हैं। सो पहले हम सिंथेटिक केमिकल्स की कुछ की बात करते हैं जो कि यहाँ पे क्लीवेज करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे केमिकल आता है CNBR, ठीक है। सो जैसे कि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है CNBR कहाँ कहाँ कट लगाता है। सो CNBR जो केमिकल है, सो वो यहाँ पे है वो जो मेथियोनिन जो एमिनो एसिड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये CNBR, ये जो सिंथेटिक केमिकल्स है, एंडोपेप्टिडेज है, मींस टर्मिनल एमिनो एसिड को नहीं काटेंगे ये, कोई बीच में टर्मिनल को छोड़ के बीच में कोई भी एमिनो एसिड यहाँ पे इसको मेथियोनिन मिल जाएगा। CNBR के केस को लेंगे तो बीच में कोई मेथियोनिन कहीं पे भी एमिनो एसिड मिल जाएगा, उसके सी टर्मिनल की तरफ ये कट लगा इसका। सी टर्मिनल मींस राइट साइड में, ठीक है। एन टर्मिनल इधर होता है एंड सी टर्मिनल इधर होता है, ठीक है। सो ओके, सो जैसे कि ये एक मेथियोनिन एमिनो एसिड है, उसके एक इधर भी एमिनो एसिड, एक इधर भी एमिनो एसिड है। सो उसके इधर सी टर्मिनल की तरफ ये कट लगा के दोनों को है वो अलग कर देगा। देन सेकेंड सिंथेटिक केमिकल आता है हाइड्रोक्सिलमीन। ओके, हाइड्रोक्सिलमीन ये ब्रेक करता है दो इम्यूनोसिड के बीच में। कौन से दो सीक्वेंस होते हैं इसमें, एक तो एलानिन और एलानिन और ग्लूटामेट के बीच में। ओके, सो यहाँ पे है वो ये दो एमिनो एसिड के बीच में ये कट लगाएगा, ठीक है। एंड दूसरा सीक्वेंस इसका ये भी होता है ग्लाइसिन और एस्पार्जिन कोई सीक्वेंस आएगा बीच में। सो उसके बीच में भी ये कट लगा देगा, ठीक है। तो उसका इसका ये कोड है रिमेंबर, इसको याद रखने के लिए, कि जैसे कि AE को याद रखने, AE और GN इस सीक्वेंस को याद रखने के लिए, आफ्टर इवनिंग क्या होती है, इवनिंग के बाद में जैसे कि नाइट आती है ना, सो आफ्टर इवनिंग गुड नाइट। ओके, सो ये आप कोड याद रख सकते हो, आफ्टर इवनिंग गुड नाइट। ओके, सो ये कोड आप याद रख सकते हो। देन थर्ड अपना जो सिंथेटिक केमिकल है वो है ओलोडोसोबेंजोएट। ओके, बेंजोएट। सो इस केमिकल के बारे में अगर हम बात करें, सो ये यहाँ पे है वो ट्रिप्टोफेन जो एमिनो एसिड होता है उसके सी टर्मिनल की तरफ है वो कट लगाता है, ठीक है। ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड के सी टर्मिनल की तरफ कट लगाता है। अब सिंथेटिक केमिकल की बात हो गई, अब बात करते हैं हम एंजाइमेटिक की। ओके, सो एंजाइमेटिक क्लीवेज की अगर हम बात करें, सो इसमें है वो दो प्रकार के एंजाइम आ सकते हैं, एक्सोपेप्टिडेज ओके एंड एंडोपेप्टिडेज। सो एज ए नेम सजेस्ट, एक्सोपेप्टिडेज कट
एट द टर्मिनल्स अमीनो एसिड ओनली. ओके सो लाइक इफ दे कट एट द अमीनोसाइड्स अमीनो एसिड मीन्स एन टर्मिनल साइड्स अमीनो एसिड्स लेफ्ट साइड अमीनो एसिड्स सो वी कॉल्ड एज अमीनोपेप्टिडेज. ओके सो जैसे कि एग्जाम्पल है अमीनो पेप्टिडेज, ये ओनली है वो, जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, इसका ये एन टर्मिनल है मींस NH2 वाला फ्री ग्रुप यहाँ पे है, एंड इधर है सी टर्मिनल, यहाँ पे CWH वाला फ्री ग्रुप है. ओके सो ये अमीनो पेप्टिडेज यहाँ पे है वो, ये टर्मिनल वाला कट है वो एक अमीनो एसिड को अलग कर देगा, देन इसके बाद में ये कर देगा. ठीक है, इस प्रकार से देन इसी प्रकार से अमीनो पेप्टिडेज है तो इसी प्रकार से कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो जाएगा जो कि इधर से कट लगाता है. ठीक है, सो राइट साइड में कट लगाता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे. एंड एंडोपेप्टिडेज है वो बीच में से है, वो कट करता है. अभी हम बात करते हैं फर्स्ट अपना एक्सोपेप्टिडेज का. एक्सोपेप्टिडेज में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अमीनोपेप्टिडेज एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज. अमीनोपेप्टिडेज तो नॉर्मल है, जो एमिनो साइड एंड टर्मिनल की साइड में एक एक है वो कट करेगा, लेकिन जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज उसमें हमें पढ़ना होता है कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, बिकॉज इसमें क्या है कि तीन प्रकार होते हैं. सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज यहाँ पे फुल फॉर्म आप लिख लेना, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी. सो इसमें क्या होता है, एग्जाम में दे देते हैं कि कोई भी एमिनो एसिड का सीक्वेंस दे देंगे, उसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए से ट्रीटमेंट है वो ट्रीट कराएंगे तो क्या होगा. सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए एंजाइम है वो ओनली कट करता है आर और के जो एमिनो एसिड है, आर्जिनिन और लाइसिन, उस एमिनो एसिड को छोड़कर जितने भी सीक्वेंस में एमिनो एसिड आएगा उन सारे एमिनो एसिड को है वो टर्मिनल साइड में अगर वो होंगे तो उनको है वो कट कर देगा. ठीक है, सो ये क्या करता है, आर्जिनिन एंड लाइसिन को छोड़कर सबको है वो कट करता है. और क्योंकि ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज मीन सी टर्मिनल राइट साइड में, ओनली टर्मिनल एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं हम, अगर टर्मिनल एमिनो एसिड आर है या फिर के है उसको छोड़कर जो भी है सॉरी. ओके सो उनको वो कट कर देगा, उनके पास में प्रोलिन नहीं होना चाहिए भाई. जहाँ पे भी हमने पहले भी हम पढ़े हैं, चाहे ये CNBR हो कुछ भी हो, जैसे कि मेथियोनिन CNBR कट कर रहा है लेकिन पास में प्रोलिन नहीं होना चाहिए, ये एक इसका रूल होता है कट. ये जो कट वाली सीरीज ये वीडियो है सो इसमें कहीं पे भी हम आगे हम क्वेश्चन भी करेंगे. सो प्रोलिन पास में नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी की अगर हम बात करें, सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो ओनली जो टर्मिनल साइड में राइट साइड में आर्जिनिन एंड लाइसिन एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड अगर होंगे तभी ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी काम करेगा. ओके एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी है वो सब कोई भी एमिनो एसिड हो उनको है वो काट सकता है. ठीक है, सो ऑल सो कार्बोक्सी पेप्टिडेज सी यूनिवर्सल है, सबको काटेगा. ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें अब एंडोपेप्टिडेज की, सो ये है इम्पोर्टेंट है थोड़ा, एंडोपेप्टिडेज सो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, हर बार सो यहाँ पे है वो एंडोपेप्टिडेज में भी जो हो सकता है बीच में से जो अमीनो एसिड कट हो रहा है वो एन टर्मिनल की साइड से कट हो रहा है या सी टर्मिनल की साइड से, उसके अकॉर्डिंग है वो टू टाइप के होते हैं. जैसे कि अगर एन टर्मिनल की साइड में बीच में से कोई अमीनो एसिड कट रहा है सो वो एन टर्मिनल साइड वाला होगा, उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड है वो मैं बता देता हूँ. सी टर्मिनल की साइड से काटने वाले जो अमीनो एसिड है उनमें से है एक ट्रिप्सिन, सॉरी एंजाइम है ट्रिप्सिन है एंड काइमोट्रिप्सिन है एंड इलास्टेज. ओके सो इफ यू टॉक अबाउट ट्रिप्सिन, सो ट्रिप्सिन यहाँ पे है वो ओनली कट करता है ट्रिप्सिन यहाँ पे. ओके सो आर्जिनिन एंड लाइसिन को कट करता है. ठीक है, कट आर्जिनिन एंड
लाइसिन। ओके सो आर्जिनिन एंड लाइसिन कहने का मतलब क्या है, जैसे और बीच में होना चाहिए ये, टर्मिनल साइड पे आर्जिनिन और लाइसिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, एंडोपेप्टिडेज में आ गए हैं ठीक है। जैसे कि ये कोई एमिनो एसिड है, यहाँ पे ये आर्जिनिन आ गया ठीक है, एंड ये सी टर्मिनल है इसका, एंड ये एन टर्मिनल है। सो ये जो आर्जिनिन एमिनो एसिड है इसको कट करेगा वो भी यहाँ पे सी टर्मिनल यानी राइट साइड, सी टर्मिनल हमेशा राइट साइड की तरफ हम बोलते हैं ठीक है। सो सी टर्मिनल मतलब इधर से कट कर देगा और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ठीक है। एंड देन हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन का कोड है वाइफ ठीक है, वाइफ काइमोट्रिप्सिन इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, वाइफ मीन्स डब्ल्यू वाई एफ, वाइफ मीन्स डब्ल्यू मीन्स ट्रिप्टोफेन, वाई मीन्स टायरोसिन एंड एफ मीन्स फिनाइल एनालिन। ओके सो इन तीनों एमिनो एसिड के सीक्वेंस को है वो बीच में से कोई भी आएगा सो वो कट करेगा। एंड देन इलास्टेज की अगर हम बात करें, इलास्टेज का गाउसिल कोड याद रख सकते हैं, GAVSIL। सो जी मीन्स ग्लाइसिन, ए मीन्स एलानिन, वी मीन्स वेलिन एंड एस मीन्स सेरिन एंड आई मीन आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। सो ये एमिनो एसिड आ जाएंगे इलास्टेज का अगर केस देगा है, तो वो यहाँ पे है वो सी टर्मिनल की तरफ से ही इनको कट है वो कर देगा ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें एन टर्मिनल की तरफ से कट करने वाले जो कौन से एंजाइम है जो एन टर्मिनल की तरफ से कट करते हैं, सो उसमें है वो आते हैं पेप्सिन एंड थर्मोलाइसिन। ओके पेप्सिन एंड थर्मोलाइसिन आता है जो कि लेफ्ट साइड की तरफ यानी एन टर्मिनल साइड की तरफ वो कट करता है लेफ्ट साइड की तरफ। ओके सो पेप्सिन की अगर हम बात करें, सो पेप्सिन जैसे कि लेफ्ट साइड की तरफ कट करेगा एन टर्मिनल साइड, सो वो कौन से सिक्वेंस स्पेसिफिकली को करता है, डब्ल्यू वाई एफ मीन्स ट्रिप्टोफेन टायरोसिन एंड फेलाइन एलानिन। अगर कोई एमिनो एसिड बीच में होगा सो उसके लेफ्ट साइड में है वो कट करेगा। देन थर्मोलाइसिन कट करता है वी आई एम मीन्स वेलिन और आइसोल्यूसिन और मेथियोनिन, अगर इन तीनों में से कोई सीक्वेंस मिलेगा उसके लेफ्ट साइड में है वो कट कर देगा एंडोपेप्टिडाइज, बीच में एमिनो एसिड होनी चाहिए। ओके अब अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं वो डिस्कस करें डायरेक्ट ठीक है। सो वो अगर हम बात करें जैसे कि एक ओलिगोपेप्टाइड दे देगा ठीक है, जैसे कि एफ ए आर प्रोलिन दे देगा, देन मेथियोनिन, देन थ्रियोनिन, देन सेरिन, आर्जिनिन, प्रोलिन अगेन, ग्लाइसिन, फिनाइल एनालिन। ये कोई एग्जाम में मान लो ये उन्होंने पेप्टाइड दे दिया, एमिनो एसिड की सीक्वेंस दे दिया ठीक है, एक पेप्टाइड है उसमें उन्होंने है वो बोला क्वेश्चन में कि इसको ट्रिप्सिन से है वो कट कराएंगे तो क्या होगा ये बताइए, और काइमो ट्रिप्सिन से ट्रीट कराएंगे तो कितने फ्रेगमेंट हमें मिलेंगे। ओके एंड कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी से हम ट्रीट कराएंगे तो कितने हमें वो मिलेंगे फ्रेगमेंट्स। ओके सो ये पूछ लिया, तो अब इसका आंसर अगर हम करें, सो ट्रिप्सिन में हमने देखा था ये एंडोपेप्टिडेज है पहली बात तो, और एंडोपेप्टिडेज है और वो भी सी टर्मिनल की तरफ कट करता है, सी टर्मिनल मीन्स इधर सी टर्मिनल है मतलब राइट साइड में है वो कट करता है, ये एन टर्मिनल है। सो क्वेश्चन में अगर ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन का हमने है वो यहाँ पे कोड भी देखा था आर और के ओनली ठीक है, आर और के जहाँ पे भी आएगा जैसे कि यहाँ पे आर है, सो आर है लेकिन यहाँ पे है वो मैंने कहा था कि पास में प्रोलिन नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है वो प्रोलिन भी है, तो प्रोलिन के पास में कोई भी एमिनो एसिड कट नहीं होगा ठीक है। सो प्रोलिन है तो ये कट नहीं होगा ठीक है। देन आर और दूसरा आर है क्या, इसके आर के पास में भी ये फिर से प्रोलिन आ गया तो इधर फिर से कट नहीं होगा ठीक है। एंड के है क्या, के है नहीं, सो इसमें है वो आंसर आएगा अपना नो कट। ओके नो कट, कोई कट ही नहीं लगेगा। देन हम बात करें काइमोट्रिप्सिन की, जो हमने कोड बात की थी सी टर्मिनल की साइड में एंडोपेप्टिडेज था
वाइफ का कोड याद किया था काइमोट्रिप्सिन को लेकर। सो डब्ल्यू या फिर वाई या फिर एफ कोई भी सीक्वेंस, जैसे कि एफ है लेकिन ये टर्मिनल साइड में है। सो काइमोट्रिप्सिन जो कि एंडोपेप्टिडेज है न कि एक्सोपेप्टिडेज, सो यहाँ पे कट लगाएगा नहीं। ओके सो यहाँ पे बीच में अगर डब्ल्यू वाई एफ में से कुछ हम देखें सो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, जब हालांकि एफ मिलेगा वो लेकिन टर्मिनल की साइड में है। सो ये भी है वो कट नहीं लगेगा, ठीक है। सो नो कट, ओके। एंड देन लास्ट अगर हम बात करें कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी की, जो कि एक्सोपेप्टिडेज है, और बी में हमने देखा था कि आर और के को ओनली है वो कट करता है, ठीक है। सो आर और के को ओनली कट करता है, सो आर यहाँ पे है लेकिन प्रोलिन पास में आ गया, ठीक है। सो जो कि यहाँ पे हमने देखा था, देखो कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी जो कि टर्मिनल साइड में है तो वो आर और के को ओनली, तो हमें बीच में तो कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। टर्मिनल साइड पे देखना है तो टर्मिनल पे तो एफ है और इधर भी एफ है, तो यहाँ पे कट लगेगा नहीं, इसमें भी है वो नो कट, ओके। सो डायरेक्ट है वो, तीनों में है वो, कोई कट ही नहीं लगेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, सो जैसे कि एक पेप्टाइड दे देगा ओलिगो पेप्टाइड आर जी पी एस टी के एम पी ई वाई टायरोसिन एंड जी एस टी डी, टी डी मीन्स एस्पार्टेट एंड क्यू मीन्स ग्लूटामाइन, एस मीन्स सेरिन, एन मीन्स एस्पार्जिन, डब्ल्यू मीन्स एस्पार्टेट एंड एच मीन्स सिस्टिडिन, एफ मीन्स फेनाइलएलानिन एंड आर मीन्स आर्जिनिन, ओके। सो ये एक ओलिगोपेप्टाइड क्वेश्चन में दे दिया। अब पूछा है कि इसको है वो ट्रिप्सिन से कट कर दिया, हमने ट्रिप्सिन से ट्रीट कराया तो कितने पेप्टाइड हमें मिलेंगे, कितने कट लगेंगे। इससे सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन इसी से दे दिया कि काइमोट्रिप्सिन से कट कर रहा है तो कितने कट और कितने पेप्टाइड है वो बनेंगे। सो अब उत्तर अगर लिखें हम आंसर, सो अगर ट्रिप्सिन का देखें, सो ट्रिप्सिन के हमारे पास कोड था आर और के, ठीक है, आर और के, वो भी एंडोपेप्टिडेज था सी टर्मिनल की तरफ। सो ये एक्सो तो देखना नहीं है हमें, ठीक है, बीच में देखते हैं, बीच में के आ गया यहाँ पे, सो ये सी टर्मिनल की तरफ एक तो यहाँ पे कट लग जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आर और के है क्या, आर और के, देन आर लास्ट में है जो कि एक्सोपेप्टिडेज हमें देखना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो एक कट लगाएगा, एक कट लगाने से कितने, एक ये पेप्टाइड इधर अलग हो जाएगा, ये पेप्टाइड इधर अलग हो जाएगा कट लगाने के बाद में। सो यहाँ पे है वो आंसर हो जाएगा, कट लगेगा एक और पेप्टाइड बन जाएंगे अपने कट लगने के बाद में दो, ओके। सो काइमोट्रिप्सिन की अगर हम देखें, काइमोट्रिप्सिन में हमें कोड याद है वाइफ वाला, वो भी एंडोपेप्टिडेज है सी टर्मिनल वाले साइड में कट करेगा, ठीक है। सो काइमोट्रिप्सिन की अगर हम बात करें, सो पहला अपना आ जाता है वाई, ठीक है, इसके सी टर्मिनल की साइड में है वो कट कर देगा एक तो ये, ओके। एंड देन डब्लू आ गया ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे है वो इसके सी टर्मिनल की साइड में है वो कट कर देगा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे है वो काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पे एफ है वो यहाँ पे कट नहीं करेगा क्योंकि ये तो टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला कट हो जाएगा। सो ये कट होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। सो दो कट लगाएगा इन केस ऑफ काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, कट लगाएगा दो, और पेप्टाइड कितने जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पे कट लगाएगा तो एक ये इधर चल जाएगा, एक ये बच जाएगा, एक इसमें भी ये कट लग जाएगा, सो ये एक अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। सो ये एक दो और तीन, ठीक है, सो तीन पेप्टाइड हमें वो जनरेट हो जाएंगे दो कट से, ओके। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सो ऐसे है वो, आप वो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड है, सो वो मैं बता देता हूँ ताकि सारे ही टॉपिक इससे कवर हो जाए, ठीक है। सो एक है वो फ्रेगमेंट दे सकता है, फ्रेगमेंट से पेप्टाइड पूछा जाता है, फ्रेगमेंट्स टू पेप्टाइड्स, ओके। सो जैसे कि क्वेश्चन दे दिया कि ट्रिप्टिक डाइजेशन हुआ है सेवन एमिनो एसिड के, मतलब सेवन एमिनो एसिड का पेप्टाइड है उसका ट्रिप
ट्रिप्सिन से मतलब है वो डाइजेशन किया है। सो उससे वो क्या हुआ, 7 एमिनो एसिड के पेप्टाइड्स का डाइजेशन जब कराए, सो उससे वो तीन तो हमें वो मिले, क्या तीन उसमें है, सॉरी उसमें तीन एमिनो एसिड है वो पेप्टाइड में है वो लाइसिन के है, दो एमिनो एसिड उसमें है वो एलानिन के है, और यहाँ पे है वो एक है, एक एमिनो एसिड उसमें टायरोसिन का है और एक एमिनो एसिड उसमें फेनाइल एलानिन का है, ठीक है। सो उससे वो उस पेप्टाइड से जब ट्रिप्टिक डाइजेशन कराया, इतने एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, सो उससे क्या हुआ, यील्ड करा डाइजेशन के बाद में ट्राई पेप्टाइड एंड टेट्रा पेप्टाइड जनरेट हुआ, ठीक है, टेट्रा पेप्टाइड है वो जनरेट हुआ। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस पूछेगा कि उस पेप्टाइड का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सो पूछ लिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट सीक्वेंस, ओके, इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड, ओके। सो जैसे कि ऑप्शन ए में दे दिया के ए वाई ए के ई के, सेकंड दे दिया, सॉरी ये नहीं है, ये एफ है, ठीक है, ई तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, फेलाइन एलानिन दिया था, ये था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे देगा वाई के ए ए एफ के, ठीक है। थर्ड यहाँ पे ऑप्शन दे देगा के वाई के ए ए के एफ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमें दे देगा के वाई ए ए के एफ के। अब हमें वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मान लो हम ये पेप्टाइड, पहला पेप्टाइड लेकर चले, तो उसमें ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट अगर हम कराएंगे तो क्या जनरेट होगा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है आर और के के बीच में, ठीक है। सो आर और के की अगर हम बात करें, के यहाँ पे है, सो ये यहाँ पे कट करेगा, तो यहाँ पे कट करने पर आप खुद ही सोचो, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ट्राई और टेट्रा पेप्टाइड जनरेट होगा, सो यहाँ पे कट लगाने से ट्राई और टेट्रा पेप्टाइड जनरेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, डाई हो रहा है, एक तो डाई मतलब दो पेप्टाइड का, और एक दो तीन चार पाँच का डाई और पेंटा पेप्टाइड जनरेट हो रहा है, न कि ट्राई और टेट्रा, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए ऐसे ही कट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड ऑप्शन को फिर हम देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट लगेगा, आर और के है इसमें, सो यहाँ पे भी है वो डाई और पेंटा जनरेट हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे ये तो देखो यहाँ पे कट करेगा तब तो एक्जो हो जाएगा, यहाँ तो करेगा नहीं, एंडोपेप्टिडेज ट्रिप्सिन, सो यहाँ पे करेगा, और यहाँ पे करेगा तो क्या जनरेट हो रहा है, देखो ट्राई पेप्टाइड और ये एक दो तीन चार टेट्रा पेप्टाइड, ठीक है, चार एमिनो एसिड का टेट्रा पेप्टाइड हो गया। सो ये यहाँ पे हमारे पूरा क्वेश्चन का फुलफिल कर रहा है, सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। सो यहाँ पे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन किस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे जो पीछे जो हमने पढ़ा है ये सारा, उनसे बाहर है वो क्या ही आएगा, ठीक है। सो इनसे बाहर नहीं आने वाला, सो सीसा नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बायोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिकली, और भी कुछ टॉपिक चाहिए आपको कमेंट कर सकते हो। इतना ही था इस वाली वीडियो में, बाय बाय।